बिग ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, बडगाम के गोरीपोरा में एनआईए की छापेमारी। आपको बता दें कि श्रीनगर में 9 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी चल रही है, बडगाम के गोरीपोरा में एनआईए की छापेमारी हो रही है और 9 जगहों पर एनआईए की छापेमारी श्रीनगर में चल रही है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी चल रही है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बडगाम के गोरीपोरा में एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर में 9 जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही है। और लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प करके घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और दावा किया है कि उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पीएम मोदी कह रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मोदी के प्रहार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के भाषण को हेट स्पीच करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पद की गरिमा को गिरा दिया है। तो वही पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके उन पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि मोदी जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा करके वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार और अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है, कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, एससी एसटी की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है और इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच बांटना चाहती है।
तो लगातार देखिए अब ट्वीट भी किए जा रहे हैं और जो लिखा गया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित मालवीय जो कि उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के अब पलटवार और वार का दौर भी देखने को मिल रहा है और जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट तमाम बड़ी बातें लिख रहे हैं। और जैसलमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अभिनेत्री कंगना रनौत 24 अप्रैल को जैसलमेर आएंगी। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में प्रचार करेंगी। हनुमान चौराहे से गड़ीसर तक ये रोड शो होना है और भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी भी उनके साथ रहेंगे। 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे रोड शो शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसलमेर से जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। हनुमान चौराहे से गड़ीसर तक रोड शो कंगना रनौत करने वाली हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो होगा। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे ये रोड शो होना है। और नेहा हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कर्नाटक में आज जगह जगह सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। इससे पहले बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कांग्रेस सरकार और नेहा की हत्या का मोर्चा खोला था और कई जगह चक्का जाम भी किया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस नेता की बेटे की हत्या पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिद्धरमैया सरकार की कड़ी आलोचना की। जेपी नड्डा ने नेहा हिरेमत के परिवार से मुलाकात करने कर्नाटक के हुबली पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार से मिलकर के संवेदना तो व्यक्त की थी, साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का समर्थन किया। 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबली में बीवीबी कॉलेज के कैंपस में नेहा हिरमेत की फयाज नाम के एक लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। नेहा कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमत की बेटी थी। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टिकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को संतान बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा, उनको दुख हो के अपने को संतान बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेज को और अपना मेरा बेटे को मेरे को हिम्मत देके गए हुए। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को वो तो कॉलेज लड़के ने लोगों ने उसको पकड़ के वापस, पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया नहीं। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कन्हैया कुमार और उदित राज की सीट को लेकर के पार्टी में सियासी तकरार छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली कांग्रेस में खींचतान, टिकट बंटवारे पर घमासान। लोकसभा चुनावों में पहले चरण को लेकर वोट डाले जा चुके हैं। 26 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों तारीखों के बीच दिल्ली कांग्रेस में सियासी खींचतान मचना शुरू हो गई है और इस राजनीतिक घमासान का केंद्र बने हैं उदित राज और कन्हैया कुमार। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार की कहानी पर क्यों राड़ छिड़ी है। बीते शुक्रवार की बात है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कन्हैया कुमार की परिचय बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में बुलाई गई थी।
जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित भी कुछ देर बाद बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। खबर है कि अरविंदर सिंह लवली ने जब उन्हें आगे आने के लिए कहा तो संदीप दीक्षित ने इनकार कर दिया। काफी मनाने के बाद संदीप दीक्षित मंच पर बैठने को तैयार हो गए। इसी बीच कन्हैया कुमार ने संदीप दीक्षित को खड़े होकर अपनी कुर्सी ऑफर की, लेकिन संदीप दीक्षित भड़क गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान अरविंदर सिंह लवली ने ही मामले को शांत कराया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि संदीप दीक्षित ने गुस्से में कन्हैया कुमार को बाहरी कह दिया, जिसका समर्थन कांग्रेस के दो तीन और बड़े नेताओं ने कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बहस आगे बढ़ गई। ऐसी कहानी कुछ दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट सीट से भी निकलकर आ रही है। इस सीट से कांग्रेस ने उदित राज को टिकट दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उदित राज का भी जमकर विरोध हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि रविवार को हुई बैठक में उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध किया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, कई बार के विधायक जय किशन और टिकट के दावेदार सुरेंद्र कुमार ने उदित राज का टिकट बदले जाने की मांग की है। खबर तो ये भी है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और दिल्ली के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव ने उदित राज और कन्हैया कुमार दोनों के टिकट रिव्यू करने की मांग करके विवाद और बढ़ा दिया है। यहाँ भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा। बैठक में बवाल इस कदर हुआ कि प्रभारी महासचिव ने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। आम आदमी पार्टी से हुए समझौते के बाद कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर चुनाव लड़ रही है। 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस बचे हुए समय में विरोध की चिंगारी को ठंडा कर पाएगी। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अमेठी में गठबंधन के प्रत्याशी का अब तक कुछ अता पता नहीं है। अटकलें लगाई जा रही है कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे। इस बीच अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में एक पोस्टर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरीगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है, राहुल बिन अमेठी सून। उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी अमेठी से जरूर चुनाव लड़ेंगे। जैसे माता पिता के बिना पुत्र अधूरा रहता है, वैसे गांधी परिवार के बिना अमेठी अधूरी है। राहुल गांधी ये कोई नए नहीं है, उनका पुराना घर है। वो बताने घूम रही हैं कि उनका कोई घर ही नहीं है। अमेठी का हर घर राहुल गांधी का घर है जी, अमेठी का हर घर। जब उनका घर जो है मोदी जी छीने थे, याद होगा आपके, उनको सदस्यता रद्द कराई, घर छीना, तो अमेठी का हर घर उनका था। अब पूरे देश में काफ़ी आवाज उठी कि मैं राहुल गांधी को घर दे रहा हूं, आइए राहुल गांधी इसमें रहिए। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि केस में आज सुल्तानपुर में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर बेंगलुरु में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। 4 अगस्त 2018 को मामला दर्ज किया था और इस मामले में राहुल गांधी जमानत पर है। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मेरठ में रील लाइफ के नाम पर किरदार निभाने वाले अरुण गोयल आज रोड शो करेंगे। रोड शो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मेरठ में रील लाइफ के नाम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल आज रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि रोड शो में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी रोड शो में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मनसा देवी मंदिर से रोड शो शुरू होगा। मेरठ लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। मेरठ सीट से रियल लाइफ के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इसराइल के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस को निस्तेनाबूत कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ईरान पर इसराइल के हमले के दौरान, जिसकी कल्पना ईरान ने बिल्कुल भी नहीं की थी। देखिए रिपोर्ट।
इजराइल के पास इस तरह की तकनीक है, ऐसा एयर डिफेंस है कि दुनिया की कोई भी मिसाइल इजराइल की जमीन को छू नहीं सकती है। दुश्मन की 90% से ज्यादा मिसाइल इजराइल का यह डिफेंस आसमान में ही तबाह कर देता है। लेकिन इजराइल के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस को नेस्तोनाबूद कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ ईरान पर इजराइल के हमले के दौरान। अब जरा दोबारा इसी सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का दावा है कि दरअसल इस वीडियो में जिस उपकरण को इजराइल की मिसाइल तबाह कर रही है वो रूस का एयर डिफेंस S-300 है। S-300 रूसी एयर डिफेंस की श्रृंखला का एक हिस्सा है और रूस अपने एयर डिफेंस पर गर्व करता है। रूस को लगता है कि उसके इस एयर डिफेंस को भेद पाना नामुमकिन है। हालांकि अब रूस ने एडवांस S-400 बना लिया है और वो S-400 को भी निर्यात करता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को रूस ने S-300 एयर डिफेंस दिया था और यही एयर डिफेंस ईरान ने अपने परमाणु स्थल के पास परमाणु स्थल की सुरक्षा के लिए लगाया भी था। लेकिन इजराइल ने अपनी एक मिसाइल से रूस के ईरान में लगे हुए रूस के एयर डिफेंस S-300 को भी तबाह कर दिया। इसका मतलब साफ है कि इजराइल ने ना सिर्फ ईरान को चुनौती दी बल्कि इजराइल ने पुतिन का भी अहंकार तोड़ दिया। इजराइल ने रूस के तकनीकी गर्व को भी धूल में मिला दिया। कई अखबारों ने दावा किया है कि इजराइल ने S-300 बैटरी के रेडार सिस्टम को क्षतिग्रस्त किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने ईरान को यह चेतावनी दी है कि उसकी मिसाइल के पास ऐसी क्षमता है कि वो पल भर में ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया है। इजराइल ने इस बात का सबूत देने के लिए ईरान के परमाणु संयंत्र की सुरक्षा में लगे S-300 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। यानी इजराइल का संदेश यह है कि जब वो इजराइल ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है तो इजराइल के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना उसके लिए बच्चों का खेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इजराइल ने यह हमला किया उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति रईसी बिल्कुल खामोश हो गए। इजराइल के हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उन्होंने भाषण भी दिया था, लेकिन उस भाषण में एक बार फिर उन्होंने इजराइल के हमले का जिक्र नहीं किया। मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान भी नहीं चाहता है कि अब इस मामले को तूल दिया जाए। सवाल यही उठता है कि क्या ईरान ये समझ चुका है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के मुकाबले अभी भी उसकी क्षमताएं काफी कम है, इसलिए अब वो खामोश हो गया है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और बहुत बड़ी खबर का खुलासा किया है। इस अखबार में दावा किया गया है कि जब ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद रक्षा विभाग सक्रिय हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी। जो बाइडन भी एक एक गतिविधि पर निगाह रख रहे थे और इजराइल की हिफाजत के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध नजर आ रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक उस वक्त अमेरिका का एयर डिफेंस ईरान की सिर्फ 50 मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम था और संभावित खतरे को देखते हुए फौरन अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एयर डिफेंस के दायरे को बढ़ाया और 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले को नेस्तोनाबूद करने में एक बड़ी भूमिका अदा की। प्रक्रिया धीमी करते हुए नजर आने लगा है। और सूरत से बड़ी खबर, सलमान खान के घर फायरिंग का मामला। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सूरत पहुंची, फायरिंग में इस्तेमाल हुई रिवॉल्वर ढूंढने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि आरोपियों ने नदी में रिवॉल्वर फेंकी थी, तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है, उसी को लेकर के अब जो है टीम पूरी तरीके से कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि आरोपियों ने जो रिवॉल्वर है वो नदी में फेंकी थी और उसी को ढूंढने के लिए अब मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो सूरत पहुंची है। फायरिंग में इस्तेमाल हुई रिवॉल्वर ढूंढने मुंबई पुलिस पहुंची है और आरोपियों ने तापी नदी में रिवॉल्वर फेंकी थी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। तो वहीं सलमान खान फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। शूटरों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ में पर्दाफाश हुआ है। 6 महीने पहले ही
साजिश रची गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, लॉरेंस गैंग ने सितंबर 2023 में संपर्क किया था। हरियाणा में शूटर सागर गैंग के संपर्क में आया और अनमोल विश्नोई के संपर्क में शूटर सागर आया था, ये जानकारी मिल रही है। शूटरों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में शूटर सागर गैंग के संपर्क में आया और बहुत पहले ही इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई। और दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। करीब 16 घंटे पहले लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है और आग से उठा धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ काले धुएं से लदा आसमान नजर आ रहा है। वहीं आसपास के इलाकों में फैले जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब हमें शाम को 6 बजे हमें कॉल मिली है कि गाजीपुर खत्ते में आग है और जो है यहाँ पर जो है 10-12 गाड़ी लगी हुई हैं, 10 के करीब हैं, 4 गाड़ी ऊपर लगी हुई हैं और जो बड़े बड़े बाउजर हैं वे नीचे खड़े हुए हैं, वे चढ़ नहीं सकते और आग बुझा रहे हैं। जेसीबी से काफ़ी मदद मिल रही है क्योंकि ढेर जो काफ़ी ऊँचा है, हीट भी ज़्यादा है वहाँ पर, जो है आग बुझाने में थोड़ी हीट के कारण भी दिक्कत आ रही है। आपराधिक लापरवाही है दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की। दिसंबर 2023 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कि निगम की सत्ता हमें दे दीजिए, हम पहाड़ खत्म कर देंगे। और आपको ध्यान होगा मैं पिछली बार भी आया था, तब मैंने कहा था एक नया पहाड़ यहाँ बन रहा है, कूड़ा जितना उठना चाहिए डिस्पोज होना चाहिए नहीं हो रहा है, ठेकेदारों की मिली भगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा। और जिस तरह की ये लापरवाही हुई है मैं हैरान हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था कि अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई, अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कैसे इसको संभाल पाएंगे। और यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। और इसराइल के हमले से घायल ईरान पलटवार की तैयारी में है। अरब वर्ल्ड में ईरान का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं। एटमी ताकत पाकिस्तान भी खुल करके ईरान के साथ है। देखिए रिपोर्ट। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं, इसराइल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को ये जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इसराइल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपोर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं, अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा। ऐसे में इसराइल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए जिसने अमेरिका। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।